हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आरबी वर्मा मोटिवेशन स्पीकर। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो भी टूटी होगी क्षमा करना। सिर्फ एक काम करो, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा सपना रहता है कि खूब पैसा कमाएंगे और गाड़ी मोटर मकान खरीदेंगे और हमसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। और अपने ख़ास दोस्तों और जो ख़ास लोगों से कहते हैं कि हम एक बिजनेस करते हैं, लोग क्या कहेंगे जानते हैं? आप सोचते हैं कि कहेंगे बहुत अच्छा किए, तारीफ़ करेंगे, शाबाशी देंगे। नहीं, आप गलत सोचते हैं। जानते हैं क्या कहेंगे? अरे यार, कहाँ तू फंस गया बिजनेस के चक्कर में, ये तुम्हारे बस की नहीं है, फालतू समय बर्बाद कर रहे हो। इतना अच्छा नौकरी कर रहे थे, परिवार कायदे से चल रहा था, बिजनेस नहीं चल पाएगा तो फिर क्या करोगे? उसी समय आप डर जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं लोगों की बात सुनकर, इसीलिए आप कोई बिजनेस नहीं कर पाते। हमको किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, ना ही किसी का सलाह लेना चाहिए, तभी आप बिजनेस में कामयाब होंगे। हमको सिर्फ एक काम करना चाहिए, कामयाबी कदम चूमेगी। आपको मैसेज देना चाहेंगे एक कहानी से। एक बहुत बड़ा तालाब रहता है, सभी मेंढकों का एक मुखिया रहता है, एक समारोह रखता है कि जो ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा उसी को मुखिया बनाया जाएगा। हम बूढ़ा हो गए हैं, 10 मेंढक तैयार हुए जाने के लिए और वह चोटी पर पहुंचने के लिए निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद आपस में कुछ बातचीत करके कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, और 4 मेंढक वापस आ गए। कुछ दूर जाने के बाद फिर 2 मेंढक वापस आ गए। फिर कुछ दूर जाने के बाद आपस में बातचीत करके 2 मेंढक फिर वापस आ गए। अब बच गए सिर्फ 2 मेंढक। अब कुछ ही दूर रह गया था, चोटी पहुंचने ही वाले थे कि एक मेंढक फिर वापस आ गया। चोटी पर पहुंचने वाले ही थे कि अचानक फिर एक मेंढक वापस आ गया। अब बच गया केवल एक मेंढक। अब बच गया केवल एक। उसको सिर्फ चोटी दिखाई दे रही थी और वह कठिन मेहनत और परिश्रम से पहुंच गया चोटी पर और वह बन गया मेंढकों का मुखिया। जानना चाहेंगे कि वह मेंढक कैसे पहुंच गया चोटी पर? क्योंकि वो गूंगा और बहरा था, किसी का बात नहीं सुन पा रहा था, किसी से बातचीत नहीं करता था। उसको सिर्फ चोटी दिखाई दे रही थी, लोग क्या बात कर रहे थे वह मेंढक सुन ही नहीं पा रहा था, इसीलिए वह चोटी पर पहुंच गया। तो आपको भी अपने बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको भी किसी से बात नहीं करना चाहिए, ना ही किसी का बात सुनना चाहिए। सिर्फ एक काम करना होगा, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जानते हैं क्या, उस मेंढक की तरह गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा, तब जा करके कामयाबी मिलेगी दोस्तों, तब जाके कामयाबी मिलेगी। हमें क्या बनना होगा? गूंगा और बहना, तब जाके कामयाबी मिलेगी।